हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए सिविल 2 या लेवल 2 के लिए आपकी एग्जाम ट्रेड डीजल मैकेनिक क्लास 21 के बारे में। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हमने हैंड टूल्स और कटिंग टूल्स के टॉपिक को फिनिश किया है और इनके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऑलरेडी कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरी क्लासेस को वन बाय वन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में, क्लास 21 में, हम लोग स्टडी करने वाले हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं स्नेहक पद्धति। ठीक है दोस्तों, दोस्तों लुब्रिकेशन सिस्टम को अच्छे से पढ़ने से पहले सबसे पहले एक हम लोग पॉइंट जानते हैं कि हमें लुब्रिकेशन सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंस है हमारे इस डीजल मैकेनिक ट्रेड में। तो सबसे पहले एक टॉपिक आता है बहुत ही सिंपल सा, कई सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, जिसका नाम है घर्षण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, अब क्या होता है फ्रिक्शन, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराई जाती है, तो सतह के समांतर व गति की दिशा के विपरीत एक गति अवरोधक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो घर्षण की आई थिंक आप सभी को डेफिनेशन पता होगी ऑलरेडी, लेकिन जब हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो घर्षण यहाँ पर महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि घर्षण की ही वजह से आप लुब्रिकेशन ऑयल या लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो घर्षण आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों घर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग जब भी घर्षण बोलेंगे तब वहाँ पर फ्रिक्शन बोला जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन की मात्रा संपर्क में आने वाली सतहों के खुरदापन पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। अगर जो आपका प्लेन है या सतह है, अगर वो चिकनी हैगी तो घर्षण कम होगा, और अगर आप वो सतह आपकी रफ है, रुक्ष है, तो सतह कैसी होगी, खुरदरी होगी, तो घर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन की मात्रा है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिवाइसेस जैसे व्हील्स, बॉल बेयरिंग और एयर कुशन स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बहुत कम प्रकार की रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं। यानी जैसे आपके व्हील हुए, बॉल बेयरिंग हुए, एयर कुशन हुआ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हुआ, वो आपके फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना सा आप लोग याद रखिएगा। कई थर्मोप्लास्टिक जैसे नायलॉन आदि का प्रयोग निम्न फ्रिक्शन बेयरिंग में किया जाता है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, अब लुब्रिकेशन का यूज़ क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फ्रिक्शन घटाने का सामान्य तरीका है लुब्रिकेंट। जैसे तेल या ग्रीस को दो सतहों के बीच में लगाना है, ये फ्रिक्शन के गुणक को घटाता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि लुब्रिकेशन का यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब और भी मैं आपको कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ कि जब जो भी आपके इंजन है उसमें जो भी पार्ट वर्क कर रहे हैं उसमें क्या फ्रिक्शन को कम करने के लिए आपको लुब्रिकेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो पार्ट घिसेना इसलिए यूज़ किया जाता है। ऊष्मा निष्कासन के लिए एक शीतल माध्यम बनाना, ठीक है, इसलिए भी आपको लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंजन के विभिन्न भागों को साफ करना, ठीक है, इसलिए भी आपका लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आता है इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम। ठीक है, किस तरह से वर्क करता है, पहले आप ये इमेज देख लीजिए और इस इमेज को आप अपने माइंड में बिल्कुल सेटअप कर लीजिए। ठीक है, जो ये मैं इमेज दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल सेटअप कर लीजिए। सबके बारे में हम लोगों ने मेन पार्ट ऑफ एन इंजन में टॉपिक में सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, ये आपकी ऊपर लगी है कैम सॉफ्ट। ठीक है, ये आपकी इधर पे लगी है क्रैंक सॉफ्ट। ठीक है, ये आपके पिस्टन है, ये आपका रॉकर आर्म है। ठीक है, जो येलो येलो आपको जो दिख रहा है वो है लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल रखा गया है, स्टोर किया गया है, उसको बोलते हैं ऑयल सम्प। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यहाँ पर आपका ऑयल गेज लगा है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर हेड, ऊपर लगे हैं आपके वाल्व, इनलेट और आउटलेट वाल्व, जिससे क्या होता है, जो इंजन जो फ्यूल होता है वो अंदर आता है और जो जली हुई गैसेस होती हैं वो बाहर जाती हैं। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। ऊपर आपके रॉकर आर्म मैंने आपको बता दिया, ये रॉकर सॉफ्ट लगी है। यहाँ पर आपके लगे हैं रॉकर आर्म, ये ऊपर दिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी लगी है पुश रॉड। ठीक है, ये है दोस्तों ऑयल गैलरी, जहाँ से ऑयल जाता है। ठीक है, ये आपकी लगी है टाइमिंग चेन टेंसर। ठीक है, क्रैंक सॉफ्ट मैंने आपको बता दिया, ये है आपकी ड्राइवर सॉफ्ट। ठीक है, यहाँ पर ये ऑयल पैन या ऑयल सम जहाँ पर स्टोर किया जा रहा है ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका ऑयल है और ये आपका क्या लगा है, ऑयल फिल्टर। इतना सा आपको दिमाग में सेटअप करना है लुब्रिकेशन सिस्टम में, तभी आपको सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंजन लुब्रिकेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यदि मूव करने वाले पार्ट्स यानी चलने वाले भाग का धातु से धातु यानी मेटल से मेटल संपर्क होने दिया यानी कॉन्ट्रैक्ट होने दिया जाए, तो इंटरनल कम्बशन इंजन कुछ मिनटों के लिए भी नहीं चलेगा। बिल्कुल क्लियर सी बात है, अगर मेटल से मेटल कॉन्टैक्ट हो जाएगी तो आपकी जो इंटरनल कम्बशन इंजन है वो जरा सी देर के लिए भी नहीं चलेगा। इतना सा ये बेसिक सा पॉइंट है।
अगला पॉइंट आता है कि फ्रिक्शन की अधिक मात्रा के कारण उत्पन्न हीट से धातु पिघल जाएगी और इंजन नष्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निकल नहीं जाएगी, पिघल जाएगी। ठीक है, पिघल जाएगी फ्रिक्शन की ज़्यादा मात्रा से जो आपकी हीट उत्पन्न होगी उससे क्या होगा, मेटल पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और इंजन आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इससे बचने के लिए सभी मूविंग पार्ट्स के बीच ऑयल की फिल्म बनी रहती है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने इमेज में दिखाया था कि एक ऑयल की फिल्म बनी थी, येलो येलो सी आपको दिख रही है पूरे पार्ट्स में। ठीक है, जिससे इंजन के सभी मूविंग पार्ट्स के बीच पंप करके बनाए रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लुब्रिकेशन के दो उद्देश्य हैं, कौन से, प्रथम जो पहला उद्देश्य है आपका वो बेयरिंग सतह की लुब्रिकेशन करना, और दूसरा जो उद्देश्य है वो उत्पन्न हीट को सोख कर बेयरिंगों को क्या करना, ठंडा करना, कोल्ड करना। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है इंजन लुब्रिकेशन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है कि लुब्रिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, वाई वी नीड लुब्रिकेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले सिलेंडरों की स्कोरिंग के लिए। ठीक है, बेयरिंग्स की अत्यधिक घिसावट और बर्निंग के लिए, सिलेंडरों की मिस फायरिंग के लिए, पिस्टन रिंगों की स्ट्राइकिंग के लिए, ईंधन की अधिक खपत के लिए लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है कि लुब्रिकेशन के उद्देश्य कौन कौन से। ठीक है, कूलिंग एजेंट की तरह कार्य करना और इंजन पार्ट से हीट को दूर करना, मैंने आपको बताया था पहले ही। ठीक है, इंजन की बेयरिंग्स और अन्य पार्ट्स के बीच झटकों को सोख कर आवाज़ को कम करना, यानी जो आवाज़ या नॉइस क्रिएट होता है उसको, उसमें जो शॉक उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि पिस्टन रिंगों और सिलेंडरों की दीवार के बीच प्रभावशाली सील प्रदान करना। ठीक है, पिस्टन रिंगों और सिलेंडर की दीवारों के बीच जो वॉल रहती है सिलेंडर की, उनके बीच जो एक सील बना देती है आपका लुब्रिकेंट। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्लीनिंग एजेंट की तरह कार्य करना बताया मैंने, साफ भी कर देता है पार्टों को। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि स्नेक के गुण कौन कौन से होते हैं, जो लुब्रिकेंट होता है उसके मेन मेन आपकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी प्रॉपर्टीज आती है उसका नाम है दोस्तों श्यानता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, अब क्या होती है विस्कोसिटी दोस्तों, किसी तरल पदार्थ के बहने के गुण को श्यानता कहते हैं। ठीक है, अब श्यानता कहते हैं, आपको बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है श्यानता क्या क्या होती है, तो मैं आपको एक पॉइंट जनरली बताऊँ कि जिस भी जो भी चीज़ ज़्यादा गाढ़ी होगी, जो भी फ्लूड आपका ज़्यादा गाढ़ा होगा तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, यानी जो गाढ़ापन है बस उसी को आप समझ लीजिए विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारी तेल की श्यानता अधिक और हल्के तेल की कम होती है। ठीक है, यही पॉइंट मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यह तापक्रम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए सर्दियों में हल्का एवं गर्मियों में भारी तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है जो आपकी प्रॉपर्टी स्नेक की या लुब्रिकेंट की, वो है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है दोस्तों, यदि किसी तेल को गर्म करें तो जिस तापक्रम पर इसकी सतह पर जलती हुई तीली लाने से जलने की चमक निकले उस तापक्रम को तेल का फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फ्लैश पॉइंट भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो प्रॉपर्टी आती है आपकी लुब्रिकेंट की उसका नाम है फायर पॉइंट। ठीक है, फायर पॉइंट क्या होता है, यदि तेल और अधिक गर्म करें, जो ऑयल है उसको ज़्यादा और गर्म कर रहे हैं, तो जिस तापक्रम पर इसकी सतह पर जलती हुई तीली लाने से ये लगातार जलता है, लगातार जले या लगातार जलता है, उस तापक्रम को तेल का क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट बोलते हैं। तो आपको फायर पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट क्या होता है दोस्तों, जिस न्यूनतम तापक्रम पर तेल बहना शुरू करता है, यानी फ्लो करना शुरू कर देता है आपका ऑयल, उसको बोलते हैं पोर पॉइंट। ठीक है, पोर पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है फ्लो पॉइंट। फ्लो पॉइंट क्या होता है, जिस तापक्रम पर लुब्रिकेंट बास बनकर उड़ने लगता है, यानी वेपर बन के उड़ने लगता है आपका लुब्रिकेंट, उसे बोलते हैं फ्लो पॉइंट। ठीक है, ये क्वालिटीज हैं आपकी किसकी, लुब्रिकेंट की। ठीक है, अब इसमें कुछ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो एडिटिव्स क्या होते हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एडिटिव्स दोस्तों वे पदार्थ हैं जो कि निर्दिष्ट गुणों के सुधार के लिए लुब्रिकेंट में मिलाए जाते हैं। ठीक है, एडिटिव्स का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा क्यों मिलाए जाते हैं। ठीक है, अब एडिटिव्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले एक आता है विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर। ठीक है, विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर क्या करता है, ये कम तापमान पर तेल की विस्कोसिटी को क्या कर देता है, घटा देता है, और कुछ तापमान पर विस्कोसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या, विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका एडिटिव पोर पॉइंट डिप्रेसर। ठीक है, पोर पॉइंट डिप्रेसर, तो दोस्तों ये क्या करता है, जिस तापमान पर तेल इतना मोटा हो जाता है कि ये बह नहीं सकता, उस तापमान को कम करने के लिए आपका पोर पॉइंट डिप्रेसर एडिटिव मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन प्रतिरोधक। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रतिरोधक जो एडिटिव होता है उसका क्या वर्क होता है, लुब्रिकेंट की ऑक्सीडेशन को रोकता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन को रोकता है आपकी लुब्रिकेंट की। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो एडिटिव्स आता है उसका नाम है आपका कोरोजन प्रतिरोधक। ठीक है, अब कोरोजन प्रतिरोधक नाम से ही समझ में आ रहा है,
कंपोनेंट्स को लुब्रिकेंट द्वारा जंग लगने से रोकने का कार्य करता है आपका कोरोजन प्रतिरोधक एडिटिव्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका फोम प्रतिरोधक। ठीक है, अब फोम प्रतिरोधक क्या करता है, तेल की जो फोमिंग होता है उसको रोकता है। ठीक है, कौन सा, फोम प्रतिरोधक। नेक्स्ट आता है डिटर्जेंट डिप्रेसर। ठीक है, अब डिटर्जेंट डिप्रेसर क्या करता है, जैसे धूल हुई, कार्बन, धातु की घिसावट आदि के कारण डिपॉजिट्स को ढीला करना व साफ करने का कार्य करता है आपका डिटर्जेंट डिप्रेसर एडिटिव्स। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग एडिटिव्स पढ़ रहे हैं। बेयर और फ्रिक्शन मॉडिफायर एक एडिटिव ये भी है, इसका क्या वर्क है दोस्तों, ये इंजन के पार्ट्स पर प्रोटेक्टेड फिल्म बनाती है और घिसावट को घटाती है। क्या, बेयर और फ्रिक्शन मॉडिफायर। ठीक है, तो आपको बेयर और फ्रिक्शन मॉडिफायर एडिटिव्स भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि विस्कोसिटी की रेटिंग हम किस तरह से देते हैं। ठीक है, अब विस्कोसिटी की रेटिंग देते हैं दोस्तों किसी प्रकार से, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो तेल होते हैं, ऑयल होता है, उनका वर्गीकरण SAE नंबर के द्वारा किया जाता है, SAE नंबर। अब SAE का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप वो ध्यान से सुन लीजिए, सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स, इसका मतलब होता है। ठीक है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स नंबर के द्वारा किया जाता है। नंबर अधिक होगा तो इसका मतलब होगा तेल मोटा है। ठीक है, जैसे SAE 20 की अपेक्षा SAE 40 तेल कैसा होगा, मोटा होगा। ठीक है, तो आपको SAE नंबर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कई प्रकार की रेटिंग है विस्कोसिटी की ऑयल की। ठीक है, एक होता है 0W, 5W, 10W, 20W, 25W और यहाँ पर 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, यहाँ पर 200, ये भी होती हैं। ठीक है, तो आपको इतना सा याद रखना है। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बता दूँ ऐसे ही नंबर से, जब गर्मियों के लिए जो विस्कोसिटी टेस्ट होता है ना वो 210 फारेनहाइट पर होता है। ठीक है, जो गर्मियों के लिए विस्कोसिटी टेस्ट होता है वो 210 फारेनहाइट पर होता है। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, गियर बॉक्स में SAE 90 जो रहता है नंबर का गियर ऑयल प्रयोग करते हैं। ठीक है, गियर बॉक्स में किस तरह का, किस प्रकार के आपके लुब्रिकेंट ऑयल का यूज़ करते हैं, SAE 90 का। ठीक है, इतना सा आपको याद रखिएगा। इंजन ऑयल का दोस्तों जो SAE नंबर होता है वो ज़्यादातर होता है 30 से 40 के बीच में। ठीक है, इतना सा आपको ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है लुब्रिकेंट के प्रकार। अब कौन कौन से लुब्रिकेंट के आपके टाइप्स होते हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, सॉलिड में कौन कौन से आते हैं आपके, ग्रेफाइट हुआ, माइका हुआ और सोप स्टोन, ये आपके तीन आते हैं सॉलिड में। ठीक है, जो सॉलिड लुब्रिकेंट होता है वो आपके ग्रेफाइट, माइका और सोप स्टोन में आता है। नेक्स्ट आता है सेमी, सेमी में कौन कौन से आते हैं, सॉलिड और ग्रीस। ठीक है, इतना से आपको याद रखना है, सेमी सॉलिड में आता है आपका ग्रीस, यानी जो थोड़ा सॉलिड है उसको बोलते हैं ग्रीस। ठीक है दोस्तों, एक ये हो गया। अगला आता है लिक्विड, लिक्विड में कौन कौन से आते हैं, मिनरल ऑयल आता है, वेजिटेबल ऑयल आता है, एनिमल ऑयल आता है। ठीक है, लुब्रिकेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लुब्रिकेंट के तीन टाइप्स हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड में कौन कौन से आते हैं, ग्रेफाइट, माइका, सोप स्टोन। सेमी सॉलिड में आता है आपका ग्रीस, लिक्विड में आता है आपका मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल। ठीक है, तो लुब्रिकेंट के टाइप्स भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं दोस्तों जो जिन्हें लुब्रिकेंट की जरूरत होती है, स्नेहक तेल की आवश्यकता होती है, तो वो कौन कौन से होते हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। क्रैंक शॉफ्ट बेयरिंग की आवश्यकता होती है, क्रैंक पिन को आवश्यकता होती है, कनेक्टिंग रॉड के बड़े व छोटे सिरों को आवश्यकता होती है, गजन पिनों के विशेष को आवश्यकता होती है लुब्रिकेंट की। ठीक है, सिलेंडर की अंदरूनी दीवार को आवश्यकता होती है, पिस्टन रिंग को, वॉल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को इसकी ज़रूरत पड़ती है लुब्रिकेशन की। ठीक है, टाइमिंग गियर को ज़रूरत पड़ती है और कैमशाफ्ट बेयरिंग को आपकी लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा मूव करते हैं, अगर मेटल से मेटल कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो इंजन बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसलिए लुब्रिकेशन का यूज़ किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, इन पार्ट्स को बचाने के लिए और इनको घिसाव को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब कौन कौन सी लुब्रिकेंट प्रणालियाँ हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको याद रखना है कौन कौन सी प्रणाली यूज़ की जाती है। सबसे पहली एक आती है आपकी, अब कौन कौन सी होती हैं ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अधिकतर इंजनों में दोस्तों गीली पंप पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इंजन सम्प रिजर्वायर की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो एक होता है आपका बाउंड्री लुब्रिकेशन। ठीक है, बाउंड्री लुब्रिकेशन में दोस्तों क्या होता है, इसमें तेल को सतह पर क्या किया जाता है, स्प्लैश अप किया जाता है। सतह पर क्या किया जाता है, स्प्लैश अप किया जाता है बाउंड्री लुब्रिकेशन में। ठीक है, एक होता है फुल फिल्म लुब्रिकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑयल पंप के द्वारा सतहों के बीच तेल को फोर्स करके एक ऑयल फिल्म बनाई जाती है। ठीक है, ना सा आपको याद रखना है, टू टाइप्स की होती है, बाउंड्री लुब्रिकेशन और ऑयल फुल फिल्म लुब्रिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अब इनकी पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से सिस्टम है, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गए हैं आपके, पेट्रोल प्रणाली होती है। अब पेट्रोल प्रणाली क्या होती है वो आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ उसकी। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा मैं जो आपको बोल रहा हूँ। ठीक है,
दो स्ट्रोक इंजन की लुब्रिकेशन के लिए मोबिल ऑयल को पेट्रोल में ही मिलाया जाता है, ठीक है, मोबिल ऑयल को ही किस में मिलाया जाता है, जब लोग पेट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं लुब्रिकेशन सिस्टम में, ठीक है, तो जो टू स्ट्रोक इंजन के लिए यूज़ होती है, ठीक है, मोबिल ऑयल को पेट्रोल ऑयल में मिलाया जाता है, ठीक है, ये मिश्रण विभिन्न इंजन पार्ट्स पर बहता है, ठीक है, जो इसका मिश्रण बनाया आपने मोबिल ऑयल, ठीक है, और पेट्रोल का, तो वो मिश्रण क्या रहता है, विभिन्न इंजन के पार्ट्स में बहता है जो कि लुब्रिकेशन प्रदान करता है, ठीक है। इस प्रकार अलग से कोई लुब्रिकेशन व्यवस्था नहीं होती है, किसमें, पेट्रोल प्रणाली में, पेट्रोल सिस्टम में, ठीक है दोस्तों। इस लुब्रिकेशन प्रणाली को दोस्तों पेट्रोल पद्धति कहते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है स्प्लैश सिस्टम। स्प्लैश सिस्टम के बारे में समझने से पहले इसकी इमेज देखिए, फिर इसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रणाली में क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को सम्प में स्टोर किया जाता है। ये जो आपको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑयल सम्प, इसमें ही आपका क्या होता है, लुब्रिकेंट ऑयल को स्टोर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कनेक्टिंग रॉड के नीचे वाले पार्ट में एक स्कूप या डिपर बनाया जाता है। जो आपकी कनेक्टिंग रॉड है यहाँ पर, इस पर क्या बनाया जाता है, स्कूप या डिपर बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों आपका कि क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर के दौरान डिपर क्या होता है, तेल में डूबता है। ये जो आपका डिपर दिख रहा है वो क्या होता है, तेल में डूबता है और उसे स्प्लैश करता है, ठीक है। इस तरीके से सिलेंडर की दीवारें, पिस्टन रिंगों, क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग और बड़े सिरे के बेयरिंग्स की लुब्रिकेशन की जाती है, किसमें, स्प्लैश सिस्टम में। तो आई थिंक आपको स्प्लैश सिस्टम भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये स्प्लैश सिस्टम है, इसको लो प्रेशर प्रणाली भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में अगर ये आए कि लो प्रेशर प्रणाली वाला सिस्टम कौन सा है, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका स्प्लैश सिस्टम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, या नेक्स्ट दोस्तों आपका सिस्टम आता है उसका नाम है प्रेशर प्रणाली, ठीक है। प्रेशर सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्रेशर फीड सिस्टम आपको दिखाया गया है, ठीक है। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको सिस्टम दिखाया था वो आपका प्रेशर फीड सिस्टम ही था। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इस प्रणाली में इंजन के पार्ट्स की प्रेशर फीड के अंतर्गत क्या की जाती है, लुब्रिकेशन की जाती है, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल को एक सम्प में स्टोर किया जाता है, नीचे आपको दिख रहा होगा एक सम्प बना हुआ है, ठीक है। एक ऑयल पंप तेल को स्ट्रेनर के रास्ते से, जो ऑयल पंप रहता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वो तेल को क्या करता है, स्ट्रेनर के रास्ते से होकर लेता होगा और 2 से 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर मेन ऑयल गैलरी तक फिर एक फिल्टर के रास्ते क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, किस तरह से ये वर्क करता है आपका प्रेशर फीड सिस्टम या प्रेशर प्रणाली लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका डाई सम्प प्रणाली, ठीक है। अब डाई सम्प प्रणाली के बारे में पढ़ने से पहले इसकी इमेज देख लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। इस प्रणाली में तेल को एक अलग टैंक में भरा जाता है, जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसको एक अलग टैंक में भरा जाता है, जहाँ से उसे इंजन तक क्या करते हैं, पहुँचाया जाता है। लुब्रिकेशन के बाद तेल सम्प में गिर जाता है, किस में गिर जाता है, सम्प में गिर जाता है, ठीक है, जो ऑयल सम्प होता है उसमें क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। तब इसे एक अलग डिलीवरी पंप द्वारा पंप करके वापस ऑयल टैंक के में लाया जाता है, ठीक है। तब इसे किस में क्या किया जाता है दोस्तों, अलग डिलीवरी पंप के द्वारा पंप करके वापस ऑयल टैंक में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसलिए इस पद्धति में 2 पंप होते हैं, एक तेल को फीड करने के लिए और दूसरा उसे ऑयल टैंक में पहुंचाने के लिए, ठीक है। एक क्या करता है, तेल को फीड करने के लिए और दूसरा उसे ऑयल टैंक में वापस पहुंचाने के लिए ड्राई सम प्रणाली में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है कि ये जो आपने ये पढ़ा ऑयल पम्प, ऑयल फिल्टर, तो इसके बारे में ये किस तरह से आपकी जो ये असेंबली होती है, पहले आप वो देख लीजिए। ये आपका क्या था, सिलेंडर जो था, सिलेंडर हेड, उसमें किस तरह से फिट होते हैं। ये जो आपका पूरा पार्ट दिख रहा है ये आपका ऑयल पंप, ठीक है। अब ये क्रैंकशाफ्ट सील है, ये गैसकेट है, ये वाटर पंप है, ठीक है, ये एयर कूलर है, ऑयल कूलर है, ठीक है, ऑयल कूलर भी मैं आपको बढ़ाऊंगा, ठीक है। इंजन ब्लॉक ये लगा आपका, ये क्रैंक केस है, ऑयल पैन गैसकेट ये, और ये ऑयल पैन है, ठीक है, यहाँ पर ऑयल स्टोर होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके हम सारे पार्ट्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। लुब्रिकेशन जो सिस्टम होते हैं उसके कुछ मुख्य पार्ट होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहला आपका आता है ऑयल पंप। ऑयल पंप क्या होता है, ये क्रैंक केस की निचली साइड में लगा होता है, ठीक है। जो क्रैंक केस मैंने आपको दिखाया भी लास्ट इमेज में, उसमें किसके नीचे साइड में लगा रहता है आपका ऑयल पंप, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, इंजन के विभिन्न भागों में प्रेशर से लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करना, यानी अगर आप प्रेशर से लुब्रिकेटिंग ऑयल का सप्लाई कर रहे हैं तो उसका किस पार्ट का यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर ऑयल पंप का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इस कार्य के लिए दोस्तों 4 प्रकार के पंप प्रयोग में लाए जाते हैं, कौन कौन से, गियर टाइप ऑयल पंप, रोटर टाइप ऑयल पंप, बैंड टाइप ऑयल पंप और प्लंजर टाइप ऑयल पंप, ठीक है। अब एक एक करके सबके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है गियर टाइप ऑयल पंप, ठीक है। इस प्रकार के पंप में दोस्तों एक हाउसिंग में 2 स्पर गियर आपस में मिले रहते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है।
गियर के दांतों के बीच बहुत कम क्लियरेंस होता है, ठीक है, बहुत कम क्लियरेंस इन दोनों गियर के टूथ के बीच में, ठीक है। इस प्रकार के पंप का प्रयोग अधिकतर इंजनों में किया जाता है। इसकी केसिंग में दो पोर्ट्स होते हैं, एक होता है इनलेट पोर्ट और एक होता है आउटलेट पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑयल पंप आता है, उसका नाम है रोटर टाइप ऑयल पंप, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें दोस्तों दो रोटर्स होते हैं, ठीक है, इनलेट रोटर और आउटलेट रोटर, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा। दोनों रोटर जो होता है वो आपस में कैसे रहते हैं, मैश रहते हैं, एक रोटर ये और एक रोटर ये, ठीक है, आपस में कैसे है, मैश है, ठीक है। भीतरी रोटर की अपेक्षा बाहरी रोटर में एक दांत अधिक होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें चार हैं और अंदर वाले जो बड़ा वाला है उसमें पांच दिख रहा हूँ, ठीक है। यह गियर पंप की तरह ही कार्य करता है, आपका रोटर टाइप ऑयल पंप, ठीक है दोस्तों, इतना सा आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है वैन टाइप ऑयल पंप। वैन टाइप ऑयल पंप किस तरह से दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैन टाइप ऑयल पंप, ठीक है। अब इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, इस पंप की बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल बनी रहती है, जो आपका वैन टाइप ऑयल पंप है उसकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल बनी रहती है। इसमें इनलेट और आउटलेट पैसेज बने रहते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा हो, ये आउटलेट पैसेज और ये आपका है इनलेट पैसेज, ठीक है। इसमें एक ड्रम होता है, ठीक है दोस्तों, इसमें एक ड्रम होता है जिसके अंदर वैन उत्केंद्रित घूमता है, ठीक है। ये जो उत्केंद्रित घूमता है, इसमें एक ड्रम होता है, वो कैसा हो रहता है, उत्केंद्रित घूमता है, ये आपको दिख रहा होगा ये ड्रम, ठीक है। जब इंजन द्वारा ड्रम को घुमाया जाता है, तब इनलेट पैसेज से तेल खींचता हुआ, इनलेट पैसेज से तेल खींचता हुआ आउटलेट पैसेज के रास्ते से क्या करता है, निकल जाता है, मूव करता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको वैन टाइप ऑयल पंप भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्लंजर टाइप ऑयल पंप, किस तरह से दिखता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्लंजर टाइप ऑयल पंप, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के ऑयल पंप का प्रयोग आजकल कभी कभी किया जाता है, ठीक है। इसमें एक प्लंजर होता है जो कि बॉडी में क्या करता है, ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक है, प्लंजर टाइप ऑयल पंप, ठीक है। इसमें एक प्लंजर होता है जो कि बॉडी में ऊपर नीचे मूव करता है, जब ये ऊपर मूव करता है तो तेल को इनलेट पैसेज से खींचा जाता है, जब ये ऊपर वर्क कर रहा है तो तेल को क्या करते हैं, इनलेट पैसेज से खींचा जाता है, और जब ये नीचे मूव करता है तो तेल को आउटलेट पैसेज से मेन ऑयल गैलरी तक क्या करता है, पहुंचाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको प्लंजर टाइप ऑयल पंप भी आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि मेन ऑयल गैलरी क्या होती है, ठीक है। अब मेन ऑयल गैलरी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में भी आप सुन लीजिए दोस्तों। ये इंजन की पूरी लंबाई में बनी रहती है, ठीक है, जो मेन ऑयल गैलरी रहती है वो इंजन की पूरी लेंथ में आपकी बनी होती है। गैलरी ड्रिल किए गए होल्स को तेल को बेयरिंग सतहों तक पहुंचाती है, जो गैलरी होती है वो ड्रिल किए गए होल्स तेल को क्या करती है, बेयरिंग सतहों तक पहुंचाती है, ठीक है। एक होता है आपका रिलीफ वाल्व, काफी नाम लोगों ने नाम सुना होगा रिलीफ वाल्व, तो क्या होता है, ये स्प्रिंग लोडेड होता है, जो आपका रिलीफ वाल्व होता है वो स्प्रिंग लोडेड होता है, तब खुलता है जब प्रेशर अधिकतम स्वीकृत लिमिट से बढ़ जाता है, जो जब प्रेशर क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसे प्रायः किस में फिट किया जाता है दोस्तों, मैन ऑयल गैलरी में ही फिट किया जाता है रिलीफ वाल्व को, ठीक है। तो आपको रिलीफ वाल्व भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है जिसका नाम है फिल्टर्स, इमेज में आपको दिख रहा होगा फिल्टर्स, ठीक है, किस तरह से आपके इंजन में फिट रहता है, ठीक है। तो फिल्टर क्या होता है, गेज स्क्रीन के अलावा जो कि पंप में धातु के पीसों को प्रवेश करने से रोकता है, मेटल्स के जो पार्टिकल्स होता है उनको प्रवेश करने से रोकता है, एक बाहरी फिल्टर होता है जिसे समय समय पर बदला जा सकता है, ठीक है। फिल्टर की बात करें, ठीक है, ऑयल फिल्टर पद्धति दोस्तों दो प्रकार की होती है, पहली होती है आपकी बाईपास पद्धति और एक होती है फुल फ्लो पद्धति, ठीक है। बाईपास पद्धति क्या होती है वो ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो पूरा तेल फिल्टर से नहीं गुजरता, इसमें क्या होता है, जो आपका पूरा ऑयल रहता है वो फिल्टर से नहीं गुजरता, बिना फिल्टर किया हुआ कुछ तेल बेयरिंग में चला जाता है, क्या होता है, जो कुछ बिना कुछ जो फिल्टर तेल रहता है वो बेयरिंग में चला जाता है, बाकी बचे हुए तेल किसमें से गुजरता है, फिल्टर से गुजरता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है फुल फ्लो पद्धति, क्या होता है, इसमें पहले पूरा तेल फिल्टर से गुजरता है और तब बेयरिंग में जाता है, पहले जो पूरा तेल रहता है वो फिल्टर से गुजरेगा और बाद में किस में जाएगा, बेयरिंग में जाएगा, फुल फ्लो पद्धति में, ठीक है। अब कुछ टाइप होते हैं ऑयल फिल्टर के, कौन कौन से होते हैं, कार्टेज टाइप होता है, एस टाइप होता है और सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑयल फिल्टर होते हैं, ठीक है। तो ना से आपको नाम याद रखना है, कार्टेज टाइप, एस टाइप और सेंट्रीफ्यूगल टाइप फ्यूल फिल्टर, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ऑयल कूलर, ऑयल कूलर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा ये ऑयल कूलर ही है, ठीक है। ऑयल कूलर क्या करता हैवी ड्यूटी इंजनों में जहाँ पर तेल का तापमान बहुत अधिक होता है, यानी जहाँ पर आपका ऑयल रहता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ लुब्रिकेटिंग ऑयल को ठंडा करने के लिए, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, स्नेक तेल होता है, उसको कोल्ड करने के लिए एक ऑयल कूलर को लगाया जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है जो कि तेल की गर्मी को क्या करता है, निकाल कर बाहर फेंकता है, जो तेल की गर्मी को क्या करता है, निकाल कर बाहर फेंक देता है, आपका ऑयल कूलर, ठीक है। लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, वाटर टाइप ऑयल कूलर ही प्रयोग किए जाते हैं, जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है उसमें वाटर टाइप ऑयल कूलर ही प्रयोग किए जाते हैं, और इस तरह से ये दिखता है आपका ऑयल कूलर, ठीक है। इसमें वाटर यहाँ से अंदर जाता है और यहाँ से बाहर निकलता है,
ऑयल यहाँ से अंदर जाता है और यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। ये आपकी बॉडी है और ये ऑयल ट्यूब है, ठीक है दोस्तों, इतना सा आपको समझना है। और जी, यहाँ पर आपको जो वाटर जा रहा है इसी से क्या होता है आपका ऑयल वो रहता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल वो क्या हो जाता है, वो ठंडा रहता है, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है ऑयल कूलर के बारे में। नेक्स्ट आता है ऑयल प्रेशर गेज। क्या होता है ऑयल प्रेशर गेज दोस्तों? प्रेशर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम में तेल को दबाव जानने के लिए, जो तेल का प्रेशर रहता है उसको जानने के लिए ऑयल प्रेशर गेज का प्रयोग किया जाता है। इमेज आपको दो दिख रही होंगी, एक आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो है दोस्तों वो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना चाहिए। ये गेज ड्राइवर के सामने इंस्ट्रूमेंट पैनल पर लगा होता है, ठीक है, किस में लगा रहता है? गेज ड्राइवर के सामने इंस्ट्रूमेंट पैनल पर आपका लगा रहता है ऑयल प्रेशर गेज, ठीक है। ये गेज दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बॉर्डन टाइप ट्यूब टाइप और एक होता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टाइप आपका, ठीक है। ये जो आपके ऑयल प्रेशर गेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बॉर्डन ट्यूब टाइप और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टाइप, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है ऑयल प्रेशर गेज के बारे में। एक आता है आपका ऑयल लेवल इंडिकेटर, ठीक है, ऑयल लेवल इंडिकेटर पहले आप देख लीजिए, इस तरह से दिखता है ऑयल लेवल इंडिकेटर, ठीक है, ये रहा इसका ओरिजिनल इमेज, ठीक है, ऑयल टाइप ऑयल लेवल इंडिकेटर का, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं दोस्तों। क्रेंक केस में ऑयल की मात्रा को एक स्प्लैश स्टिक के द्वारा पता लगाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इमेज में, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, एक स्प्लैश स्टिक के द्वारा पता लगाया जाता है। ये एक लंबी फ्लैट रोड होती है जिसे क्रेंक केस की साइड पर एक ट्यूब से तेल में डुबाया जाता है, किसमें? ऑयल लेवल इंडिकेटर में। तो आपको ऑयल लेवल इंडिकेटर भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्रेंक केस वेंटिलेशन, ठीक है। क्रेंक केस वेंटिलेशन क्यों यूज होता है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। क्रेंक केस वेंटिलेशन द्वारा क्रेंक केस से लुब्रिकेटिंग ऑयल की वाष निकाली जाती है जो इंजन के चलने के दौरान उत्पन्न होता है, जिससे क्रेंक क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, ठीक है। इसकी इमेज आप देख सकते हैं किसमें? क्रैंक केस वेंटिलेशन में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो जितना भी लुब्रिकेटिंग सिस्टम था वो पूरा फिनिश हो गया, कम्प्लीटली फिनिश हो गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वो आप लोग नोट करते चलिएगा लुब्रिकेटिंग पॉइंट में, लुब्रिकेटिंग सिस्टम में, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा रहता है उसे क्या बोलते हैं? ऑयल सम्प बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया। अगला आता है जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो कोयला और जानवरों की हड्डी तथा वनस्पति से बनाए जाते हैं, ठीक है। ग्रीस का प्रयोग दोस्तों व्हील बेयरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व ऑयल प्रेशर से खुलता है, इतना सा आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसने तेल का जो डाइल्यूशन होता है वो किससे किया जाता है? वाटर से किया जाता है। डाइल्यूशन या तनुकरण जो होता है वो पानी से किया जाता है, ठीक है। लुब्रिकेंट्स के प्रकार मैंने आपको बताया, तरल, पेस्ट, ठोस तथा मिश्र, ठीक है, आपको बताए थे सारे, ठीक है, लुब्रिकेंट के दोस्तों। ऑयल गन का कार्य क्या होता है? गियर बॉक्स में स्टीयरिंग व डिफरेंशियल में लुब्रिकेशन ऑयल भरना होता है, ये भी आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एडिटिव्स भी मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा लुब्रिकेटिंग सिस्टम के पूरे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पर हम लोग लुब्रिकेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, यदि कोई भी डाउट हो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन जो दबा दें, ताकि आपको जो है ना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।